देख रहे हैं जिसे हम इंग्लिश आईवी बोलते हैं, बट ये इंग्लिश आईवी नहीं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज, आज बात करने वाले हैं टॉप 5 इंडोर प्लांट्स के बारे में। तो थोड़े से मैं ऐसे प्लांट्स छांट के अलग किया है जो कि आप अपने घर में रख सकते हैं, थोड़े से अलग से हैं। और वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि थोड़े से यूनिक से हैं और अपने घर पे लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो गाइज़, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ टॉप 5 इंडोर प्लांट्स जो कि बहुत ही बेटर होते हैं और इजी टू केयर हैं, आराम से लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। और वो कौन कौन से हैं वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये एग्लोनीमा, जिसे हम चाइनीज़ एवरग्रीन के नाम से हम जानते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरह के। जो सबसे देखने वाली बात है कि जो उसकी लीव की फॉर्मेशन देखिए आप, ये देखिए इतने चौड़े चौड़े और बड़े बड़े लीफ हैं इसके। और ये बहुत ही यूनिक वैरायटी है, जल्दी आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आप अगर इस तरह के प्लांट्स बाय करना चाहते हैं तो आप बाय भी कर सकते हैं और पॉट वगैरह में, आप सिरामिक पॉट वगैरह में इस तरह के आप लगा दीजिए। ये इस तरह का पॉली बैग में ये पैक्ड है और ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं ये। आप एक प्लांट लगा लीजिए और लॉन्ग टर्म तो चलते हैं। लगभग 150 रुपये इसकी प्राइसिंग होती है। और लीफ की फॉर्मेशन देखिए, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। ये जो दिखाया ये तो थोड़ी सी यूनिक वैरायटी थी, ये फर्स्ट है। आपको दूसरा दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, देख रहे हैं लाइट शेड है इसमें, लाइट ग्रीन और डीप ग्रीन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और इसमें दो तीन आपको मिल जाते हैं स्टेम, इसमें दो तीन रूट्स हैं इसमें। तो इस तरह के प्लांट्स भी आप लगभग प्राइसिंग सेम होती है, लगभग 150 रुपये में आपको मिल जाता है। तो ये दो वैरायटी थी जो मैंने आपको दिखाई है। इसके बैक साइड भी काफ़ी अच्छा सा है, ठीक है। तो ये दो वैरायटी है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें एक वैरायटी और आती है जो कि बहुत ही यूनिक है, ये देखिए, ये देख रहे हैं। और बहुत ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला प्लांट है, सही बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला प्लांट है। आप अपने घर के इंडोर में भी रखिए, मैंने रखा हुआ है, लगभग 1.5 साल हो चुका है प्लांट को और काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। और इस तरह की मिट्टी के पॉट में है। इसमें अगर आप छोटा प्लांट लेते हैं तो लगभग आपको 100 से 150 रुपये के बीच में मिल जाता है, या 50 रुपये का भी मिल जाता है। बट ये जो आप देख रहे हैं ये इसके अंदर काफ़ी सारे रूट्स हैं, ये देखिए, देख रहे हैं। और इसका जो प्राइसिंग है लगभग 400 रुपये आपको पे करना पड़ेगा इसका। और इस तरह के मिट्टी के पॉट में आप लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो प्लास्टिक का जो डिज़ाइनर पॉट आता है उसमें लगा लें, जिससे कि जो घर है आपका वो गंदा भी नहीं होगा। और नीचे ट्रे लगा लीजिए और आराम से चलता रहता है। लीफ की फॉर्मेशन देखिए इसकी, तो मैंने आपको 3 वैरायटी इसमें दिखाई है। अब बाकी आपको 4 और आपको जो इंडोर प्लांट्स है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सेकेंड प्लांट जो है वो जीजी प्लांट है। और जीजी प्लांट की जो सबसे बेहतरीन और जो सबसे आपको जो गौर करने वाली चीज़ है, आप पानी थोड़ा कम दीजिए इसको। अक्सर ये होता है कि जो लोग हैं ना इसमें पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और इसके कारण इसका जो रूट है वो गलने लग जाता है। तो थोड़ा आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। नॉर्मल मिट्टी खाद में ये बहुत प्यार से लग जाता है, लॉन्ग टर्म तक चलने वाला प्लांट है और बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हो इंडोर प्लांट है। आप इसकी जो लीफ वगैरह हैं वो आप लगातार क्लीन करते रहिए और बहुत शाइन करता है इसका लीफ। कोई सा भी मिक्सचर लेके आप इससे, आप कोई पतला कपड़ा लेके आप इसे क्लीन कर दीजिए, इसके लीफ बिल्कुल शाइन करते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। जीजी प्लांट आप ज़रूर रखिए इंडोर में, ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला प्लांट है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि लोग इसमें ना पानी इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि इसका जो रूट स्ट्रक्चर है ना वो गलने लग जाता है। ये देखिए, अगर इसमें पानी में आप लगातार डालिए इसका जो रूट होगा, जो रूट बॉल होगा इसका, बहुत जल्दी गल जाएगा। तो ये प्लांट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लगभग प्राइसिंग है 100 रुपीज़ के आसपास आपको इजी प्लांट मिल जाता है। तो गाइज़, ये जो आप देख रहे हैं ये मरांटा है। और मरांटा की जो सबसे बेस्ट बात है, इसकी लीफ की फॉर्मेशन बड़ी ही सही है। ये देखिए इस तरह की इसकी लीफ की फॉर्मेशन है। और बैक साइड इसका दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए बिल्कुल रेड का कॉम्बिनेशन बनता है और जो इसमें लाइनिंग है वो बड़ा ही प्यारा लगता है। इस तरह का प्लांट है ये।
और एक ही पॉट में कई सारे ब्रांचेस लगे हुए हैं, कई सारे रूट स्ट्रक्चर मिल जाते हैं आपको यहाँ से, और काफ़ी हेल्दी है। बट इसकी जो सबसे चौंकाने वाली बात है, इसकी जो प्राइसिंग है वो छोटे के हिसाब से लगभग 250 रुपये आपको पे करना पड़ता है। ये थोड़ा सा एक थोड़ा सा टेंशन वाली बात होगी कि आपको, बट एक बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। आप कोशिश कीजिए कि इस तरह के प्लांट आप बाई कर लीजिए, जिसे हम बोलते हैं मरांटा। 300 प्रिंटेड है, 250 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा ये। से मैं एक नेक्स्ट प्लांट शेयर कर रहा हूँ जो उसका नाम ड्राइसिना गोल्डन है, जो कि थोड़ा मुझे डाउट है कि ये नाम सही है कि नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैं नाम बता रहा हूँ ड्राइसिना गोल्डन वो है कि नहीं है। एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग 200 रुपये इसकी प्राइसिंग है, और एक काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट सा है आप, जो आप अपने इनडोर में आप लगा सकते हैं। आपको इस प्लांट की साइज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो काफ़ी बेहतर है और लॉन्ग टर्म तो चलने वाला प्लांट है। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे लगता है इस प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है। ये देखिए, छोटे छोटे फ्लावरिंग भी हुई थी और ये अभी नहीं है। तो ये एक 200 रुपये इसकी प्राइसिंग है, काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट है ये। तो गाइज, ये जो आप देख रहे हैं जिसे हम इंग्लिश आईवी बोलते हैं, बट ये इंग्लिश आईवी नहीं है, ये है कॉमन आईवी। बट जिसकी फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इंग्लिश आईवी की तरह दिखता है, और ये इंग्लिश आईवी की जो प्राइसिंग है वो बहुत हायर साइड होती है। लगभग मैं बात करूँ तो 500 के आसपास है, और इंग्लिश आईवी ज़्यादा दिन तक चल भी नहीं पाती है। ये मैंने देख लिया है, लास्ट टाइम मैंने बाय किया था बट वो प्लांट ज़्यादा दिन तक चला नहीं। इंग्लिश आईवी लगभग 500 के आसपास आपको दिल्ली एनसीआर में मिल जाता है, और इस तरह के प्लांट आप बाय कर सकते हैं जो कि इंग्लिश आईवी की तरह ही दिखता है, बट ये है कॉमन आईवी। इसके लीफ की पहले फॉर्मेशन देख लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा एक इंडोर प्लांट है, आप हैंगिंग्स वगैरह में इसे लगा सकते हैं। देखिए, इंडोर प्लांट का मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट उसे आप घर के अंदर रखिए, तब तो आप स्नेक प्लांट लगा लीजिए, वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। बट अगर आपको चाहिए कि लॉन्ग टर्म तक चले आपका प्लांट, तो थोड़ा आपको समझ लीजिए मंडे टू फ्राइडे आपने घर में अंदर रखा है, तो सैटरडे संडे उसे हल्का सेमी शेड में ज़रूर रखिए, जिससे कि वो हल्की सी धूप उस पर धूप छाँव उस पर पड़ती रहे, और फिर वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। और एक चीज़ के बाद और आपको ध्यान रखने की वाली है कि आप उस पर लगातार पानी का जो स्प्रे है ना वो ज़रूर कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे प्लांट, डाइंग प्लांट को भी वो हरा भरा हो जाता है अगर आप उस पर पानी का स्प्रे करते हैं, और जो पानी का जो स्प्रे करना है वो रात में ना करके आप अगर आप दिन में करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एवोपरेशन जो होती है जो वो होता होना ज़रूरी है, पानी स्टोर ना हो रहे लीफ के ऊपर तो बेटर होता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, कॉमन आईवी आजकल दिल्ली एनसीआर में ये भी काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसकी जो लीफ की फॉर्मेशन देखिए, ये कॉमन आईवी है, और कभी कभी लोग इसे इंग्लिश आईवी समझ के बाई कर लेते हैं। प्राइसिंग लगभग 300 रुपये इसकी प्राइसिंग है, और हैंगिंग के साथ है। तो गाइज, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।